नमस्कार, मैं संजय सनम दिल्ली के निर्माण विहार से। और ये देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा संचालित मानवता की दीवार, किस तरह से लोग अपने घर के अनुपयोगी कपड़ों को देने के लिए ला रहे हैं। देखिए, ये लेकर के आए हैं और ये सब दे रहे हैं। यहाँ पर मानवता की दीवार पर एक वीडियो मैंने पहले भी आपको दिया था, आपने देखा होगा। और किस तरह से पूरा का पूरा सामान इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा थैला भर करके लाए हैं। जो घर में अनुपयोगी वस्तुएं हैं उन्होंने यहाँ पर दी है। माता जी, आपका नाम, आप सामान लेकर के आए हैं यहाँ देने के लिए लोगों के लिए? हाँ। आपका नाम? ममता रोशन। आपको ये मन में भावना लगी कि जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, सही है, किसी और के काम आ जाए? ये देखिए, महिला ने रिक्शे में आई है, आकर के इन्होंने दिए हैं। और ये राष्ट्रीय एकता समिति के लोग व्यवस्थित करते हैं और जिन लोगों के उपयोगी होता है उनको यहाँ पे देते हैं। देखिए, लेने के लिए, देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको अपनी उपयोगी संबंधित जो चीज़ है वो दी जा रही है। बंधुओं, दिल्ली का तापक्रम उतना ठंडा नहीं है, अच्छी धूप है, कोई कोहरा नहीं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ निर्माण विहार का ये आचार्य नागराज स्पिरिचुअल सेंटर, जहाँ पर कल बड़ा कार्यक्रम होना है, आचार्य श्री मानवल जी की मूर्ति का अनावरण। और इन्हीं के तत्वाधान में ये राष्ट्रीय एकता समिति के द्वारा ये चलाया जा रहा है मानवता की दीवार। ये आचार्य नागराज मार्ग। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं आचार्य नागराज स्पिरिचुअल सेंटर में, हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। ये देखिए, दो आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का मिलन हुआ था, रणबोध धर्म गुरु श्री दलाई लामा, राष्ट्र संत आचार्य नागराज जी दिल्ली। एक समय था, एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेने हेतु साथ साथ जाते हुए। यहाँ पर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आचार्य श्री नागराज जी दिल्ली के प्रसिद्ध ग्रंथ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पर मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन दिनों पर, ये 6 दिसंबर 1991 की बात है, मंच पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर एल एम सिंघवी, सर्वोच्च न्यायाधीश के एन सिंह, मुख्य न्यायाधीश साहू श्री अशोक कुमार जैन, आचार्य श्री नागराज डिलेट, साहू श्री रमेश चंद्र जैन, श्री आलोक प्रकाश जैन, सम्मुख सामान्य प्रदत्त अभिनंदन पट्टिका, कलात्मक सरस्वती की प्रतिमा व चंदन की माला। ये देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ विचार विमर्श करते हुए राष्ट्र संत आचार्य श्री नागराज डिलेट। ये देखिए, बंबई के अनुवर्त सभागार में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई राष्ट्र संत आचार्य श्री नागराज डिलेट से विचार विनिमय करते हुए, तस्वीरें इस बात की गवाह है, विचार विनिमय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र संत आचार्य श्री नागराज डिलेट। देखिए, हम जिस व्यक्तित्व की गौरव गाथा की बात कहते हैं, इधर देखिए, जब आचार्य श्री नागराज डिलेट के 80वें वर्ष में प्रवेश पर 17 नवंबर 1996 को श्रीमती सोनिया गांधी आचार्य नागराज एकता भवन के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित करते हुए, आप देख रहे हैं आचार्य मानवल जी, आचार्य नागराज जी दोनों साथ में, इधर आप देख रहे हैं केसरी नाथ जी हैं और ये अर्जुन सिंह जी हैं और यहाँ चंद्रेश जी हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सोनिया गांधी विचार विमर्श, मुनि श्री मानमल जी, उस वक्त मुनि श्री लेकिन बाद में आचार्य। ये देखिए, इंदिरा गांधी और
उपाध्याय मुनि श्री महेंद्र कुमार जी प्रथम का अभिवादन करती हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। ये देखिए एक दुखद क्षण, जब महेंद्र कुमार जी इस दुनिया में नहीं रहे थे तो उनकी महाप्राण यात्रा का एक दृश्य ये आचार्य श्री नगराज जी डिलीट, और ये राष्ट्रीय एकता समिति के द्वारा जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक सेवा भावना के साथ जो काम किया जा रहा है, ये उसकी झलक हम सब चीज़ों को आप तक दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। ये ओम भिक्षु मेडिकल सेंटर, यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, कम कीमत पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधित बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। और ये देखिए, ये आचार्य श्री नगराज जी डिलीट की मूर्ति है, और मूर्तिकार भी अभी जयपुर से पधारे हुए हैं, पंडित जुगल किशोर जी अत्री जी। देखिए बड़ी गंभीरता के साथ, जुगल किशोर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बताइए, आचार्य श्री जी की मूर्ति का जब आपने काम किया था तो ये जो प्रकृति प्रदत्त जो चेहरा है वो आप पत्थर में कैसे ऐसे निखार देते हैं कि एकदम मूर्ति सजीव हो जाती है? सबसे पहले हमने इनका चरित्र पढ़ा, अच्छा, और इनको चरित्र पढ़ के और इनका ध्यान किया, अच्छा, और ध्यान करके इनकी अनुमति ली भाई आपकी मूर्ति वास्तविकता जो आपका चरित्र उसमें आना चाहिए, ये प्रार्थना के चलते अभी काम किया और भगवान से प्रार्थना की भाई इनकी मूर्ति बड़ी अच्छी। क्या बात है, मतलब आपने इनकी अनुमति ली ध्यान से, प्रार्थना से, और आपने इनसे निवेदन किया कि आपका चरित्र चित्रण हमारी इस नक्काशी में आना चाहिए। क्या बात है, ये है भारतीय संस्कृति का एक वो पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें कला की भावना जुड़ी होती है और एक कलाकार भी भगवान के साथ जुड़ करके पत्थर की उस मूर्ति को भी सजीव कर देता है। जुगल जी, आप कितने वर्षों से हमारा पैतृक धंधा है जी, जन्म से मतलब पूरे जीवन पिताजी जीता हमने, अच्छा अच्छा, अब हमारे बच्चे सीख रहे हैं हमसे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैतृक धंधा है हमारा, पैतृक धंधा है। एक मूर्ति बनाने में कितना समय? एक मूर्ति बनाने में छह महीने लग जाते हैं। 6 महीने लग जाते हैं उसमें कभी आपके मन में या कभी कुछ ऐसी अनुभूति भी होती है, अगर आपने कभी कुछ गलत कर दिया, गलत नकाशी हो गई तो फिर कोई प्रेरणा भी मिलती है? थोड़ा थोड़ा तराशना पड़ता है, अच्छा, जैसे धुंध में से कोई आदमी दिखता है तो उसको फिर धुंध में निकलता है, फिर उसको और क्लियर करता है, फिर और क्लियर करते हैं, इसको तराश। नहीं, तराशना एक अलग बात हो गई, जैसे आपने किसी तपस्वी संत की, जैसे ये हैं इनकी आपने मूर्ति बनाई, और ऐसे और भी हो सकता है आपके जीवन में आपने ऐसी और भी कुछ मूर्तियां बनाई होगी, तो कहीं कोई भूल अगर हो जाती है तो क्या आपको वापस प्रेरणा मिलती है कि यहाँ भूल हुई है? भूल होते तो उसको सुधार लेते हैं, वो पता चलता है, स्वतः प्रेरणा मिलती है, हटट के बनाना पड़ता है, छोड़ के बनाना पड़ता है, कभी फिर मूड होता है, फिर दिखता है, तो फिर उसको करते हैं। ये राजस्थान की गुलाबी नगरी से, जयपुर से मूर्तिकार जुगल किशोर जी की बात आपने सुनी कि किस तरह से कला की संस्कृति में आध्यात्मिक पक्ष प्रभावी रहता है। और अभी इस वक्त मेरे साथ हैं इस सेवा समिति के उपक्रमों को संचालित करने वाला एक मुख्य व्यक्तित्व, श्रीमान रामचंद्र जी सारस्वत जी, आप महाप्रबंधक हैं और आप इन व्यवस्थाओं को बहुत सटीकता से देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, जब से आचार्य श्री नगराज जी या मानमल जी का अपना एक अलग मार्ग बना है तब से आप उनके साथ में हैं, उस कठिन वक्त से आप साथ में हैं। रामचंद्र जी, कल के कार्यक्रम के बारे में, कल के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है, किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, कौन कौन आपके मुख्य अतिथि आ रहे हैं? मुख्य कार्यक्रम तो आचार्य श्री मानमल जी महाराज की मूर्ति का अनावरण है जी, उसमें मूर्ति का अनावरण माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी करेंगे, उसमें मुख्य अतिथि में महेश गिरी जी हैं, एमएलए हैं ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, यहाँ के नगर
पार्षद हैं, बबीता खन्ना जी हैं, बाकी समाज के दिग्गज जैन समाज के अच्छे अच्छे दिग्गज यहाँ आ रहे हैं और मुख्य कार्यक्रम आचार्य मानवल जी महाराज की मूर्ति का ये कार्यक्रम है। ये अभी मूर्ति का सारी सजावट हो चुकी है, अनावरण के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, कल सुबह इसका अनावरण होगा। दूसरा हमारा जो मुख्य कार्यक्रम ये है कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो आचार्य श्री नगराज जी और मानवल जी महाराज के जीवन काल में जिन समाज के व्यक्तियों का योगदान रहा, आर्थिक सामाजिक अपने अपने क्षेत्र सभी तरह का, उनका हम अभिनंदन करेंगे। उसके अलावा साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, कला, पत्रकारिता, अलग अलग क्षेत्रों के मतलब विशिष्ट व्यक्तियों को, जैसे हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में उपस्थित हैं जो मूर्ति कलाकार, सबसे पहला इनका पहला सम्मान तो इनका है। जो कार्यक्रम मेन कार्यक्रम हमारा है मूर्ति का है और मूर्तिकार हमारे बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। बहुत अच्छी मतलब लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया है, बराबर लोगों के संपर्क हो रहा है, फोन आ रहे हैं, कार्यक्रम की जानकारी कर रहे हैं। रामचंद्र जी एक ये बताइए, आपके बाहर ये मानवता की दीवार, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने ये जो शुरू किया है? प्रेरणा की बात ये है कि शुरू में हमने यहाँ पे एक वस्त्र क्या ना फाउंडेशन करके एक यहाँ मतलब हम लोगों से लेते थे, मतलब ये जो कपड़े, तो हमारे पास इतने कपड़े हो जाते थे कि हम दूसरे किसी आशा ट्रस्ट को वहाँ हम भिजवाते थे। फिर हमें सोचा कि भाई हम जिन्हें यहाँ भी हमारे पास में जरूरतमंद आदमी बहुत होते हैं, रिक्शे वाले हैं, जो घरों में मतलब जो काम करते हैं, इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्रयोग करें कि जो जिसको जरूरत हो, कपड़े हो, जूते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो अपनी इच्छा से ले जाए और जिसको देना है वो अपनी मर्जी से यहाँ देकर जाए। तो मैं आपको बता के आश्चर्य होगा कि हमारे पास इतना सामान आ रहा है कि मैं कह नहीं सकता। और इतना जा रहा है, अभी मैंने एक महिला को देखा था जो रिक्शा में आई थी, थैला भर कर के आई थी कपड़ों का, और अभी अभी दिया है मैंने वीडियो में, व्यूवर्स को भी दिखाया है। गाड़ियों में लोग भर के लाते हैं यहाँ और दे के चले जाते हैं। गाड़ियों में इतने कपड़े हो जाते हैं कि जो हमने ये बना रखा है उसमें जगह नहीं होती, तो हमें कुछ कपड़े जो आशा बाउंड ट्रस्ट है उनको फिर भिजवाना पड़ता है, तो इतना हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है उनको संभालना। तो इस तरह से ये मतलब हमने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा सुंदर प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। हमारे देखा देखी मतलब मैंने सुना है इस तरह की और सारी योजनाएं लोगों ने अपने क्या मोहल्ले में शुरू कर दी है, इंसानियत की दीवार, कोई किसी नाम से दीवार, इस तरह से कार्यक्रम शुरू हो रहे। बहुत लोमहर्षक कार्यक्रम है ये, मतलब इसका अर्थ ये है कि कलयुग में इंसानियत जिंदा है, लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज रामचंद्र जी, ये आपका एक जो ओम भिक्षु मेडिकल सेंटर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपकी संस्था के द्वारा जो चल रहा है, उसमें क्या विशेष रूप से आप संस्था विशेष रूप से क्या कर रही है? मेन तो हमारा क्या है, पैथोलॉजी से संबंधित है, तो पैथोलॉजी में हमारे पास जितने भी प्रकार के ब्लड, यूरिन और टॉयलेट, ये स्टूल टेस्ट, सब तरह के हम टेस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं जो हम नहीं करते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है, डॉपलर है, और हमारे पास में वर्तमान में 21 डॉक्टर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से विशिष्ट डॉक्टर, एमडी लेवल के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं रखते हैं। जो डॉक्टर बाहर में 600-700 रुपए लेते हैं, हमारे वहाँ वही डॉक्टर 200-250 रुपए में है। अच्छा अच्छा, मतलब ये विशेषता है कि जो बाहर में लेते हैं 500-700 रुपए, वो डॉक्टर हमारे यहाँ 200 रुपए लेते हैं, और जो टेस्ट बाहर में 1000 रुपए में होता है, हमारे यहाँ 600-700 में वो टेस्ट होता है। मतलब काफी मतलब ये सुबह से शाम तक बहुत बढ़िया यहाँ पे लोगों को मतलब ये सुविधा मिल रही है, और ये खास करके रेजिडेंशियल एरिया है, इस वजह से यहाँ पे। दूसरी मैं आपको बताऊँ कि ये चैरिटेबल जरूर है, पर सभी तरह के लोग यहाँ, चाहे वो इनोवा गाड़ी वाले हों चाहे रिक्शा वाले हों, सभी तरह के लोग यहाँ आते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये चैरिटेबल है, ये समझते हैं कि यहाँ टेस्ट है वो मतलब बहुत पारदर्शी होते हैं। अच्छा। मेन बात ये है गुणवत्ता क्वालिटी बहुत है, विशेषता है, इस वजह से लोग संकोच नहीं करते कि चैरिटेबल हम क्यों करवाए। जो टेस्ट है बहुत बढ़िया, मतलब हमारे यहाँ जो मैडम है जो मतलब इसके जो है वास्तव में
30 साल का एक्सपीरियंस है उनको, मतलब ये पैथोलॉजी के अंदर में मैं मिस्टर मिसेज मेथु है, अच्छी मतलब सेवा दे रही है अपनी, सलाह दे रही है, सेवा दे रही है अच्छी। अच्छा रामचंद्र जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने सुना है कि आपकी संस्था ये ट्रस्ट काम कर रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए शिक्षा के क्षेत्र में। साल से हमने ये कदम उठाया है और पिछले साल हम 50 बच्चों को स्कॉलरशिप आधार से शेख संपत राम जी दुग्गल गांधी विद्या मंदिर के संस्था में, और इस साल हमने 30 बालबाड़ी मोंटेसरी स्कूल गांधी विद्या मंदिर के उसमें 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया। इसी तरह से विद्याश्रम में स्कूल है और यहाँ दिल्ली में भी कुछ बच्चों को हमने, मतलब ये इस वर्ष हमने जो स्कॉलरशिप का हमारा 100 बच्चों का उठ गया, किंतु हमारी संस्था के लोग इससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, वो चाहते हैं कि और आगे हो, अगले साल 200 हो, 400 हो, 600, हम हजारों बच्चों को इस तरह की ये जो स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। पर दूसरी हमारी जो सोची है कि जिस बच्चे को हमने स्कॉलरशिप चालू किया है उसके मतलब आजीवन शिक्षा काल तक जब तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे वो मतलब मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, किसी भी ट्रेड का, हम उसको मतलब उसकी जो फीस है वो हम उनको बच्चों लगातार जो बच्चा जितने पढ़ना चाहता है वो उनको फीस हम देंगे। मतलब एक बार देके नहीं छोड़ रहे हैं आप, ये कंटिन्यूटी है, अगले साल नहीं लेंगे, निरंतरता तक पढ़ना चाहे, चाहे वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, सीए करे, उसके जो जितने भी फीस है वो हम देते रहेंगे। इस तरह से स्कॉलरशिप का हमारा बहुत अच्छा मतलब और बहुत ही लोगों का समर्थन सहयोग मिल रहा है, ये मजे की बात है। बहुत बहुत आभार रामचंद्र जी। तो बंधुओं, आपने ये देखा कि किस तरह से संस्था अगर चाहे तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकती है। बस मन का साफ होना और मन के जज्बे का होना ये किसी भी संस्था के लिए ज़रूरी है। कहने को ये जैन आचार्य हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ बात अगर की जाती है, इंसानियत की बात की जाती है, धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है तो इंसानियत के धर्म पाठ पढ़ाया जाता है, और इसलिए मेरा जुड़ाव यहाँ रहता है और मुझे यहाँ आकर के सुकून मिलता है। ये देखिए किस तरह से ये आश्रम जो कि इंसानियत की सेवा का अपने आप में केंद्र बना हुआ है, और ये लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो आज के इस दौर में भले ही ब्रांड ना हो लेकिन अपने अपने क्षेत्र में वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सैल्यूट करने का मन करता है इस तरह की तस्वीरें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर जो मानवता की दीवार का चित्रण जो हमने आपको दिखाया था, और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की तैयारी हो रही है, युद्ध स्तर पर कल के आयोजन की तैयारी। ये दृश्य देखिए कि सामान आ रहा है, लगाने में लगे हुए हैं, और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने में लगे हुए हैं। तो दिल्ली निर्माण विहार से मैं संजय सनम YouTube के लिए कल के कार्यक्रम की खबर आप तक कल ही पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।